सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आयोजन समिति को हम धन्यवाद देते हैं और तीन यहाँ पर रिटायर्ड शिक्षक का जो आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उन लोगों ने जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया है और जो उनके साथ और आयोजक समिति के लोग हैं, सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया इस कार्यक्रम में, इस लायक समझा कि हम इस कार्यक्रम में आए। और उसके बाद अभी हमारे एक मित्र ने सवाल पूछा कि भाई आपका एजेंडा क्या है। तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं लगातार घूमने का काम कर रहा हूँ, जिसमें प्रत्याशी के रूप में मैं 8 जिला में करीब 500 से अधिक स्कूलों में घूमा हूँ। तो मुझे जो अनुभव हुआ है वो अनुभव यही हुआ है कि सरकार की उदासीन नीति के कारण नियोजित खासकर जो शिक्षक हैं और वित्त रहित शिक्षक हैं, इन दोनों की स्थितियों में लगातार गिरावट आई है और पॉलिसीज को थोड़ा चेंज कर ले। कई ऐसे नीति में ऐसे कई चीज़ें हैं जो राशि से संबंधित नहीं है, जैसे प्रमंडलीय स्तर पर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर की व्यवस्था, महिलाओं की ट्रांसफर की व्यवस्था, दिव्यांगों के ट्रांसफर की व्यवस्था, ये राशि से संबंधित नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, तो इसका राशि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मामला जो है अधर्म लटका हुआ है, इसको जो है ठीक नहीं किया जा रहा है। और राशि से संबंधित भी कई चीज़ें हैं, मैं लगातार इसको वाच कर रहा हूँ, जैसे MACP का प्रॉब्लम है, UTI में जो पैसा 200 रुपये से अधिक पैसा जमा हुआ था वो पैसा लॉक हो गया, 1 लाख रुपये जो करीब करीब होता है वो 60 ईयर्स के लॉक कर दिया गया, जबकि उस पैसे पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, वो तो पैसा शुद्ध रूप से शिक्षक समाज का है, शिक्षकों का है। उसके अलावे मैं देख रहा हूँ कि वेतन वृद्धि की बात होती है, वेतन विसंगति की बात होती है, वो भी क्यों नहीं, कई जगह ऐसे हैं जो प्राइमरी टीचर्स हैं और हाई स्कूल के टीचर एक साथ काम करते हैं और वहाँ प्राइमरी टीचर का वेतन ज़्यादा है जबकि उनकी क्वालिफिकेशन कम है और हाई स्कूल का टीचर का पेमेंट कम है, तो निश्चित रूप से एक मन में कुंठा होती है और एक मतलब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करे, सरकार को जितना पैसा है देना है दे, लेकिन एक लेवल ऐसा है, मान लीजिए कि प्राइमरी टीचर्स हैं उनको जितना पेमेंट मिल रहा है, हाई स्कूल के टीचर और इंटर के जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा अधिक पेमेंट दे, तो कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं, हम देख रहे थे कि 8 जिला में घूमने के क्रम में मुझे महसूस हुआ कि प्लस टू में टीचर्स की कमी है, काफ़ी कमी है, कोई ऐसा हमको स्कूल नहीं मिला प्लस टू का जहाँ पर कोई ये कह दे कि यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स हैं, तो बिना टीचर्स के कैसे स्कूल चलेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। और एक तरफ DPO साहब DO साहब टाइम पर अटेंडेंस खोजते हैं, DM साहब कहते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाइए 9:30 बजे और 4 बजे स्कूल से जाइए, तो कैसे दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आप एक तरफ पूरा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे तो गार्जियन आखिर 4 बजे तक अपने बच्चे को बिना शिक्षक के स्कूल में कैसे रखेंगे, ये संभव नहीं है। और इसलिए उनको मजबूरी है कि वो बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ते हैं, आप सारे के सारे टीचर्स को इकट्ठा वहाँ पे अपॉइंट कीजिए, उनकी नियुक्ति कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा स्कीम नहीं है सरकार के पास जिससे कि जिसका लाभ वो ले सकें, और उसके बाद सरकार के कोई ऐसी नीति और कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसके कारण वो उसके बाद भी लाभान्वित हों। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और पूरी तरह से ध्यान देना होगा। और पेमेंट की जब बात की जाए तो हम एक तरफ जो हमारे बगल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, मान लिया उनका पेमेंट 1 लाख है और हमारा पेमेंट 40,000 है, तो हमारे अंदर अशांति फैलेगी, हमारे अंदर कुंठा होगी। जब एक साथ सभी का पेमेंट एक बराबर होता है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो इस पर भी सरकार को हमें लगता है कि ध्यान देना होगा। मैं देख रहा हूँ कि सरकार के पास जो बजट है 2,37,000 करोड़ के बजट में सबसे बड़ा बजट हम समझते हैं कि 39,000 करोड़ से अधिक का बजट शिक्षा विभाग के नाम पर होता है, लेकिन 10-15% पैसे ही खर्च हो पाते हैं वेतन पे, और उसके अलावा बाकी जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो DBT के माध्यम से साइकिल योजना, पोशाक योजना, अन्य योजनाओं पर खर्च हो रहे हैं। हमारा ये कहना है, हमारा आपके लोग आप लोगों के माध्यम से सरकार से जरूर आग्रह रहेगा कि आप उन चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव लाएं और नियोजित शिक्षकों का जो मांग है कि हमको राजकर्मी का दर्जा दें, आखिर आप राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके मन में है कि कहीं 3,000 कहीं 5,000 का वेतन वृद्धि करना पड़ेगा राजकर्मी का दर्जा देने में, और प्राइमरी टीचर की बात करें तो उनको 400 का वृद्धि करीब 400 का राशि वृद्धि करना पड़ेगा, तो राशि आखिर आएगा कहां से? हम कहते हैं कि 39,000 करोड़ में मैक्सिमम राशि जब DBT के स्कीम के माध्यम से आप अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हो, केवल 15% ही आप शिक्षकों के पेमेंट पर खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा 2-3% राशि को डाइवर्सन कीजिएगा, 2-3% राशि का एडजस्टमेंट कीजिएगा। हमें लगता है कि 2-3% से इन सारी समस्याओं का केवल गया शिक्षक कंसल्टेंसी का नहीं बल्कि पूरे बिहार के शिक्षकों का समस्या का समाधान हो जाएगा। करीब हम एक बार हिसाब जोड़ रहे थे तो 700-800 करोड़ का हिसाब पड़ रहा था, वो 700-800 से मैक्सिमम 900 करोड़ का हिसाब आ रहा था, तो 900 करोड़ का राशि आपको अलग से हम नहीं कर रहे हैं कि अलॉटमेंट कीजिए, आप 900 करोड़ की राशि उसी में से अलॉटमेंट कर दीजिएगा, उसी में से थोड़ा एडजस्ट कर दीजिएगा, 2-3% पैसा को एडजस्ट कर दीजिएगा, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिल जाएगा। दूसरी बात है कि आप
से राजकर्मी का दर्जा आप आखिर 52 डिपार्टमेंट सरकार के पास में है तो 51 डिपार्टमेंट में आप राजकर्मी का दर्जा दिए हुए हैं। आप हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो विभिन्न सरकारें जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की हो, जब वहाँ पर शिक्षकों की परमानेंट बहाली होती है, जब नियमित बहाली होती है, वेतनमान पर बहाली होती है, तो यहाँ क्यों नहीं सकती है? और यही जो लंबे समय से शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनको आप उसमें एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको आप वेतनमान में क्यों नहीं ला सकते हैं? जब अन्य सरकारें हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, तो हमको फॉलो करने में आखिर समस्या क्या है? हमें लगता है कि विभिन्न राज्यों में जो ये सब चीज़ चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, तो यहाँ भी होना चाहिए। हमारा ये एजेंडे का पार्ट, हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है कि इसको लागू करवाना हमारा ड्यूटी है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि आपका एजेंडा, तो इन वित्तीय मामला हो चाहे वित्तीय मामला हो, मुझे लगता है कि सरकार की उदासीन नीति के कारण इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है, और निश्चित रूप से इनको ध्यान रखने के लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। और 100% हमारा संकल्पित, हमारे मन में संकल्प है कि जब 52 डिपार्टमेंट में, 51 डिपार्टमेंट में राजकर्मी का आप दर्जा दे सकते हैं, तो 52वां डिपार्टमेंट को भी देने में कोई दिक्कत नहीं, आपको देना ही होगा, और आपको वेतनमान पे बहाली करना होगा। यदि वेतनमान पे बहाली नहीं कीजिएगा तो हम लोग इसके लिए इसका विरोध करेंगे, और हम इसका समाधान का कई तरीका जो हमारे मन में आएगा उसको निकालने का प्रयास करेंगे। आप एक तरफ गुणवत्ता की बात करते हैं कि गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए, और दूसरे तरफ शिक्षकों के मन में अशांति भरते हैं, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप वित्त रहित कॉलेजों की बात करें, आप टेक्निकल संस्थानों की बात करें, तो ग्रांट 8-8 साल से 10-10 साल से नहीं है। संस्कृत शिक्षकों की बात करें तो वहाँ भी वही स्थिति है, वहाँ भी काफ़ी दिक्कत है। आप तो एक तरफ आप वहाँ ग्रांट टाइम पर नहीं देते हैं, तो 8-8 साल से जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आखिर वो कैसे अपना घर का जीवन यापन करेंगे, कैसे स्कूल आएंगे, कैसे कॉलेज आएंगे? और आप कहीं 500 रुपये अधिक फॉर्म में लेते हैं तो आप उन पर तमाम तरह की कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो आपको दोनों बातों को देखना होगा कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका सारी व्यवस्था आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो करना होगा आपको। 8-8 साल से ग्रांट नहीं मिल रहा, कैसे वहाँ के सिस्टम चलेंगे, कैसे वहाँ के शिक्षकों का खर्चा चलेगा? आप दूसरी तरफ हमारा सरकार से ये कहना है कि जितने पैसा आप ग्रांट में खर्चा करते हैं उससे कम पैसा में 1-1 लाख रुपए सरकार यहाँ विभिन्न रहे शिक्षकों को पेमेंट मिल जाएगा, तो आप महीना बांध दीजिए ना साहब, आप 1 लाख रुपए उनका मंथली तय कर दीजिए, और नियोजित शिक्षकों का जो डिमांड है वो 7-8 से 900 करोड़, आप अलग से 2,37,000 करोड़ का बजट में, 39,000 करोड़ का आपका बजट है, तो उसके लिए अलग से पैसा देने की आवश्यकता क्या है? आपके जो पैसे जो उसमें डीबीटी स्कीम के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं उसी में से आप पैसा डाइवर्ट कर दीजिए ना 2-3%, तो वो 2-3% से 100% समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता है, लेकिन 90% समस्याओं का समाधान निश्चित होगा जी।